अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो सहार के वास्ते हिट खोट रूम में हिट खाना चाहिए या रोटी या हिट अच्छा रहता सब। अभी आदत नहीं रहती नहीं है नहीं हमें, थोड़ा सा आदत कर ले को सब्जी ने रोजा रहो। साल में एक बार इबादत करना चाहिए। मैं अच्छी तल रही हूँ चाकले में, यहाँ पर जैसे गरम खाना पका के छोड़ूँ और दाल सांभर गरम हिट आता भी है रोटी बनाने के लिए। यह दिन में सहरी को इत्यारी को सॉरी चना मसाला बनाऊँगी, कुछ चाय भी चढ़ा दूँगी आटा, देखती हूँ क्या खा सकते हैं। फर्स्ट दिन ऐसा कुछ खाने को नहीं होता। यहाँ देखिए आम की चटनी भी बनाई हूँ, फ्रेश आम मिल रहे हैं अभी, रात में ही बना के रखी हूँ, आज धूप में रखूँगी। चटनी बहुत टेस्टी बनी है ये होममेड, इसका वीडियो भी है आप चाहे तो लिंक में चेक कर लीजिए। तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तिरवन भी थोड़ा सा भिजवा लूँगी, ठंडी बहुत अच्छी है रोजदार। तो यहाँ पर दूध भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है अच्छी तरह से। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये फालूदा, आइसक्रीम ला सकते नहीं। तो जी यहाँ पर फालूदा बन रहा है। तो रोज़ ऐसे एक घंटा पहले ये सब कुछ करके रख लीजिए, आपको इफ्तारी में एक टाइम भी मिल जाएगा, आराम से नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो आपको सहूलत भी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है ये फालूदा। सेवियाँ रहती ना इसमें थोड़ा सा गलाना चाहिए, चिल होना चाहिए फालूदा, तभी खाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करके रख लेती हूँ इस तरह से। तो ये फालूदा रेडीमेड था, सारा मिक्स होके इसी में आता है, हम दूध गर्म करके इसमें मिक्स करके इस दाल के खाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुजफ्फर भी बना रही हूँ, रोज़े रहते हैं ना मीठा खाना चाहिए। बना रही हूँ अब से सबसे की बीज कोल्ड वाटर ठंडा रहने के रोज ठंडा रहे तो इसमें बादाम सब काट के डालेंगे। इसमें हम वाटरमेलन भी डाल सकते हैं। अभी ये हम फ्रिज में रख देंगे, तब तक ये चिल आउट हो जाएगा, तो मैं तब दूसरा काम कर लूँगी। अभी रमज़ान के महीने में बहुत काम रहता है। यहाँ पर देखिए मैं मुजफ्फर भी बना रही हूँ, ऑलमोस्ट ये गल चुके हैं चावल, इसमें दूध मिक्स करके हम बना लेंगे। रमज़ान में ये सब चीज़ें बहुत अच्छा भी रहता है खाने के लिए और हेल्दी भी है और सुस्ताई भी नहीं रहती। यहाँ पर देखिए कुकर में भी चने पक रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फर भी रेडी होने के लिए तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।
तो यहाँ पर मैं चना मसाला बना रही हूँ। 2 या 3 बजे से शुरुआत करती हूँ मैं, ताकि 5 बजे तक पूरा पका के आराम से इफ्तारी की पूरी रेडी करके मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर टमाटर भी पीस के डाल रही हूँ। देखिए चना मसाला भी तेज़ बहुत अच्छा रहता है ठंड के मौसम में। अभी तो बारिश भी 5 बजे से शुरू होने वाली है, उसके बाद कुछ बनाने को मूड ही नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं काजू फ्राई करके डाल दूँगी। मीठा भी रेडी है। मीठा पूरा बना के मैं इस तरह से फ्राई करके डालती हूँ। इसका मेन स्टेप यही होता है, टेस्टी टेस्टी काजू सभी सारे मुंह में मिलते हैं, तो खाने में मीठा बहुत मज़ा आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के रोज़े पूरे अच्छे गुजर रहे हैं, और मैं भी आपके लिए दुआ कर रही हूँ। आप भी मुझे दुआ में ज़रूर से याद रखिए। देखिए हम बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, सबके लिए देना भी बहुत ज़रूरी है। जिन जिन के पास कुछ नहीं होता उन लोग को भी देखना चाहिए, ऐसा पका के खा के दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबके रोज़े किस तरह से चल रहे हैं, किसके घर में क्या पक रहा है, ज़रूर से देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ इफ्तारी के लिए। सब कुछ घर में बना के यहीं पर आ गई मैं चांद भाई के घर। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा तैयार करके रखे थे, तो अभी रोटी भी बना लेंगे चना मसाला के लिए। तो हमारी इफ्तारी यहाँ पर थी। वाटरमेलन तो अभी देखिए यहाँ पर फ्रूट्स भी मैं कट कर लूँगी। इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना गिना सब बना के हो गया था, तो सोचे कि चलिए टाइम है तो फ्रूट भी काट लेंगे। माशाल्लाह वाटर मिले देखिए कितना प्यारा कलर है। तो हाँ अब बस था तो फ्रूट सारा काट के क्या करना, बोल के आप उठा के फ्रिज में रख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के लिए फ्रूट्स काट रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हम लोग खाना बनाए थे या फ्रूट था हमारे पास, सब रोज़ेदारों को बांट के थोड़ा बहुत हम लोग भी इफ्तारी कर रहे हैं। इस तरह से करना चाहिए, सब लोग के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास है हमें खा लिए, इस तरह से नहीं होता। 4 लोग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब कुछ जो कुछ था हमारे पास सब लोग को रोज़ेदारों को भी भेज रहे हैं हम लोग। ऐसा मिल बांट के खा लेना चाहिए, साल में एक बार बहुत अच्छा लगता है इस तरह का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है। जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत है उसमें बांट के मिल बांट के खाना बहुत खुशी होती है। नियामत का महीना है ये, अल्लाह बहुत बरकतों का महीना है। कि ये नहीं कि दूसरों को देने से हमारे पास नहीं रहता, ऐसा नहीं। जितना आप बांटेंगे अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत डालते हैं। इस तरह से शेयरिंग करिए आप भी। जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं छुपा के मत खाइए कोई भी, सब की रोज़ाना के बारे में सोचिए, अड़ोस पड़ोस में सोचिए, और सब मिल बांट के खाने से बहुत खुशी महसूस भी होती है और बरकत भी रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सब कुछ बांट के भी अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत दी। देखिए हमारे पास 3 लोग हम लोग रोज़ा थे, ये भी ज़्यादा है, दिल कर रहा है कि इसमें भी बांटें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करें तो भी बहुत कम ही है। इस तरह से होता है हमारा इफ्तारी का टाइम। तो अभी मैं इफ्तारी के बाद आपको मिलूंगी नमाज़ पढ़ने के बाद। चलिए तो अभी हमें रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के सब हो गया था, तो बड़ी अम्मा अपने भाई के पास, यहाँ देखिए शुगर चेक करा रहे हैं, मेरे को शुगर कितना है चेक करो बोल के घर ही में हो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो अमेरिका गए थे ना तब ये लेके आए थे, तो इनके पास घर में ही शुगर चेक करने का था, तो इसलिए बड़ी अम्मा बैठ के यहाँ पर शुगर चेक करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए उंगली से बड़ी अम्मा के खून ही नहीं निकल रहे हैं। देखिए
चाह रहे हैं, फूल खिंचा रहे हैं। टू थर्टी सेवन 230 पर सात। तो बड़ी अम्मा शुगर चेक करने के बाद रोटी खा लेते हैं, खाना ज़्यादा नहीं खाते इसलिए रोटी बन रही है। चना मसाला और ये चिकन ग्रेवी थी तो इसके लिए रोटी भी बना ले रहेंगी साथ साथ में। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ पर रोटी खा के घर जाना भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। तो वहाँ खाना खा के सब कुछ काम ख़त्म हो गया था, वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। तो मेरे यहाँ पर चना मसाला मीठा सब कुछ बना के इसी तरह से किचन छोड़ के चले गई थी। तो घर आने के बाद ये सब कुछ क्लीन कर रही हूँ साथ साथ में। तो सहरी कूटना है ना, तो क्लीन हो तो किचन बहुत अच्छा अच्छी बात है। तो रात में ही मैं सब कुछ इस तरह से करके रख देती हूँ। जो मीठा बचा था वो भी यहाँ पर गैस में रखी हूँ, देखिए गर्म होने के लिए। ये कल इफ्तारी में किसी को बांट दूँगी और साथ में मैं भी थोड़ा बहुत रख लूँगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाना था मुझे, तो ये भी साथ में बना के रख दूँगी। अभी इफ्तारी में सहरी में काम हो जाता है इसलिए अभी रात में ये भी काम ख़त्म करके सो जाऊँगी। तो ये फ्रिज में भी रख दूँगी। तो लहसुन को भी साथ साथ पीस लूँगी मैं, अदरक लहसुन का पेस्ट साथ नहीं पीसती मैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी को बनाना है या उसमें लहसुन नहीं टलता है तो इसलिए सेपरेट हो तो आराम से हम बना सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो आपको किस तरह से लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। पानी बारिश कितना ज़ोर से पड़ रहा है, हिसाब डालो जब को।